इन दिनों मन की बात में लगातार मुझे जनता जनार्दन की तरफ से सुझाव आते रहते हैं, नरेंद्र मोदी ऐप पर आते रहते हैं, माई गोव इन पर आते हैं, चिट्ठियों से आते हैं, आकाशवाणी पे आते हैं। श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने इमरजेंसी को याद करते हुए लिखा है कि 25 जून को लोकतंत्र के इतिहास में एक काला कालखंड के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रकाश त्रिपाठी जी की लोकतंत्र के प्रति ये जागरूकता सराहनीय है, और लोकतंत्र एक व्यवस्था ही है, ऐसा नहीं है, वो एक संस्कार भी है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है, और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। आज के पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी, लोकतंत्र में काम करने वाले लोग उन काले कालखंड को बार बार स्मरण करते हुए लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहने चाहिए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जेल में थे। जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी, और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। सिखचों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, सिखचों में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। पथ निहारते नयन गिनते दिन पल छिन, पथ निहारते नयन गिनते दिन पल छिन, लौट कभी आएगा, लौट कभी आएगा मन का जो मीत गया, एक बरस बीत गया। लोकतंत्र के प्रेमियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, और भारत जैसा देश, इतना बड़ा विशाल देश, जब मौका मिला तो भारत के जन जन के रग रग में लोकतंत्र कैसा व्याप्त है, चुनाव के माध्यम से उस ताकत का प्रदर्शन कर दिया। जन जन के रग रग में फैला हुआ ये लोकतंत्र का भाव, ये हमारी अमर विरासत है। उस विरासत को हमें और सशक्त करना है।